दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। मानिए हमें एक प्रणाली दी है जिसमें कि n विभिन्न घटक हैं और इस प्रणाली को समानांतर प्रणाली कहा जाता है क्योंकि यह कार्यात्मक रहती है, यह चलायमान रहती है या फंक्शनल रहती है जब तक कम से कम इसका एक घटक कार्य करता रहता है। तो समांतर प्रणाली वह प्रणालियाँ होती हैं जिसमें कि बहुत सारे घटक समांतर क्रम में लगे रहते हैं, जिसमें कि एक भी घटक अगर काम करता रहता है तो प्रणाली चलायमान रहती है या फंक्शनल रहती है, कार्यात्मक रहती है, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो कार्यात्मक रहेगी ही रहेगी और सब काम कर रहे हैं तो इसका एक विशेष स्थिति हो गई। तो ऐसी प्रणाली में यदि आईवा घटक जो अन्य घटकों से स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, उसके कार्य करने की प्रायिकता अगर P से दर्शाई जाए तो उस प्रणाली के कार्यात्मक रहने की प्रायिकता क्या होगी। तो यह भी एक स्वतंत्र घटनाओं के ऊपर आधारित एक प्रश्न है। तो आइए इसके हल की ओर चलें। तो पूर्ववत की भांति हम मानते हैं कि AI उस घटना को दर्शाता है कि जब प्रणाली का आईवा घटक कार्य कर रहा है तब इस दशा में हम इस बात की प्रायिकता कि प्रणाली कार्यात्मक रहती है होगी पूरक प्रायिकता के जब प्रणाली कार्य नहीं कर रही है। तो हम उसे व्यक्त कर सकते हैं एक ऋण उस प्रायिकता के जब प्रणाली कार्य नहीं करती है। तो प्रणाली के कार्य न करने की प्रायिकता होगी वही, चूँकि यह एक समानांतर प्रणाली है, जब इसके कोई भी घटक कार्य नहीं कर रहे होंगे तभी यह प्रणाली काम नहीं करेगी, अन्यथा यह काम करेगी। तो हम प्रणाली के ना कार्य करने की प्रायिकता को हम उस प्रायिकता के बराबर मान सकते हैं कि जब सभी घटक कार्य नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी घटक स्वतंत्र है दूसरे घटक से और उसके कार्य करने की प्रायिकता पी से हमने माना है या दिया हुआ है। तो सभी घटक कार्य नहीं करते, प्रणाली में n घटक हैं, तो यह प्रायिकता समूह की प्रायिकता हो जाएगी उन घटनाओं की जबकि आईवा घटक काम करता है और उन घटकों की संख्या अगर हम एक से लेकर n मान लें, चूँकि ये सारे घटक स्वतंत्र हैं तो इस प्रायिकता को हम लिख सकते हैं गुणन उनके प्रायिकता जब वो काम नहीं करेंगे। चूँकि हमें दिया हुआ है कि प्रायिकता काम न करने की पी आई है तो हमने इस चीज़ को व्यक्त कर लिया एक ऋण पी आई से। तो क्योंकि सारे परीक्षण जो है वो सारे प्रणालियाँ स्वतंत्र हैं या सारे परीक्षण स्वतंत्र हैं तो इस चीज़ की वजह से हम इस प्रणाली की प्रायिकता की गणना कर सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि एक सरलीकृत चित्र दिखाया गया है किसी समानांतर प्रणाली का, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में कि यदि किसी भी परिपथ में हमें A से B तक बिंदुओं तक अगर धारा प्रवाह होता है कि नहीं होता है, अगर ये ज्ञात करना है तो आप देख सकते हैं कि इस परिपथ में हमने कुछ n कुंजियां लगाई हैं जो कि समानांतर परिपथ में लगी हुई हैं। तो कोई भी एक कुंजी अगर हम बंद करेंगे तो धारा का प्रवाह A से B तक हो सकता है, सारी कुंजियां बंद होगी तभी होगा, या कोई भी कुंजी खुल जाए लेकिन अन्य कोई कुंजियां खुली रहें, लेकिन जब सारी कुंजियां खुल जाएंगी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यह एक चित्रात्मक तरीका है इस समस्या को समझाने के लिए। तो यही इस तरह की प्रणालियों को समानांतर प्रणालियाँ कहते हैं और यह हमारे बहुत ही जो जितनी भी गूढ़ प्रणालियाँ या घनी प्रणालियाँ होती हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्रमुख प्रणालियाँ होती हैं, उनमें हम परिपथ या उनकी संरचना समानांतर बनाते हैं, जो कि इस तरह से समानांतर के कार्यात्मक रहने की प्रायिकता बढ़ जाती है।